वेलकम एवरीवन, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कमेंट के अंदर बताइए, साथ साथ में क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कौन कौन है जो क्लास के साथ चल रहे हैं वो भी बताइए, और संडे को टेस्ट रखा जाए या नहीं रखा जाए वो भी बताइए। टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं, इस नंबर से मैं बना देता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, मैं आज बना दूंगा शाम को, या फिर एक बार मेरे को अगर नहीं भी बनाओ तो याद दिला दीजिएगा, ऐसे मैं बना दूंगा। और कौन कौन है जो क्लास के साथ चल रहा है ये भी बताएं, और मार्जिनल के क्वेश्चन किस किस से हो रहे हैं, किन किन को दिक्कत आ रही है, और कौन कौन से क्वेश्चन दिक्कत आ रही है वो भी बताते जाएं, क्योंकि मैं होमवर्क दे रहा हूँ और डाउट नहीं आ रहे हैं, तो इसके मतलब या तो आप साथ में कर नहीं रहे हो, ये हो सकता है कि वो डाउट तो आने चाहिए, तो आप बताइए कि डाउट आ रहे हैं तो भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इन नंबर पर। शुरुआत करते हैं मेटेरियल के बारे में, आज हम मेटेरियल की जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। देखो मेटेरियल चैप्टर के अंदर टोटल कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे फर्स्ट जो है वैल्यूएशन ऑफ मेटेरियल रिसीव, कि मेटेरियल जब रिसीव होता है तब उसको वैल्यूएशन कैसे होता है, जो आपका प्योरली एस टू के ऊपर बेस्ड है। फिर है इन्वेंट्री कंट्रोल, फिर इन्वेंट्री स्टॉक आउट क्या होता है, फिर एबीसी एनालिसिस, फिर रेशियो, फिर मेटेरियल इशू प्रोसीजर। फर्स्ट बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ मेटेरियल रिसीव्ड, भाई मेटेरियल अगर हम खरीदेंगे तो उसका वैल्यूएशन करना होगा, क्यों? क्योंकि मेटेरियल का अगर वैल्यूएशन नहीं होगा तो हमें कॉस्ट कैसे पता चलेगी, तो हमें मेटेरियल का भी क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन में दिक्कत कहाँ आती है सर? देखो मेटेरियल जब खरीदते हैं तो बहुत सारी तरीके की कॉस्ट लगती है, अलग अलग तरीके की, तो हमें पता करना है कि कौन सी कॉस्ट है जो मेटेरियल की कॉस्ट के अंदर ऐड होगी और कौन सी कॉस्ट है जो मेटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। ये प्योरली एज टू के ऊपर है, वैसा वैसा है। यूनिट परचेज करते हैं तो यूनिट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, तो उनका किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा, तो कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मेटेरियल की, टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, क्लियर है? अब टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल के अंदर क्या है, सबसे फर्स्ट डिस्काउंट एंड सब्सिडी। अगर हम परचेज करने जाए तो हमें कुछ डिस्काउंट और कुछ सब्सिडी मिल जाती है, अब उनका किस किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है, सपोज 11,000 की थी और 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो हम परचेज कितने की लिखते हैं, 10,000 की या 11,000 की? सर क्या बात कर रहे हैं, हम 10,000 की लिखते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम लिखते ही नहीं, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, टोटल जो भी कॉस्ट होगी उसमें से जितना ट्रेड डिस्काउंट उसको डिडक्ट कर दें। क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है, तो देखो परचेज के वक्त कभी भी हम प्रॉफिट नहीं लिख सकते, सीधी सी बात समझिए, अगर हम 10,000 रुपये की जो चीज़ थी वो अगर हम 10,000 में खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अब जिससे खरीदा वो हमारा फ्रेंड था और उसने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 9,000। ऐसा नहीं लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट की 10,000 की थी, उसमें से कैश दिया 9,000 और 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, परचेज के वक्त कभी प्रॉफिट होगा नहीं, क्लियर है? सिर्फ हमारे कमीशन के अंदर एक परचेज के वक्त आप प्रॉफिट देखते हो, बाकी परचेज के वक्त कभी प्रॉफिट होता नहीं है। और या फिर आप जैसे सिचुएशन ये लीजिए कि 10,000 की एसेट थी, बाकी नॉर्मली हर किसी को 1,000 का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन आपका फ्रेंड था और आपने वहाँ जाके मकतेमणे कर लिया और टोटल मिला के 2,000 का डिस्काउंट ले लिया और 8,000 रुपये ले लिए, तो उस केस में आप ऐसा नहीं लिखोगे कि परचेज 10,000 की और हमने 2,000 का डिस्काउंट अर्न किया, आप परचेज कितने की लिखोगे, 8,000 की। तो अगर क्वान्टिटी डिस्काउंट भी मिलता है, अगर हम बल्क में खरीदते हैं और क्वान्टिटी डिस्काउंट मिलता है, तो उससे भी हम क्या कर देंगे, कॉस्ट में से लेस कर देंगे। कैश डिस्काउंट, सर कैश डिस्काउंट का तो हमने पढ़ा है कि उसको क्या किया जाता है, परचेज उसके डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। परचेज सपोज 10,000 में था, अब हम परचेज करके आ गए क्रेडिट पे, अब वो हम पेमेंट नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया हम पेमेंट नहीं दे रहे, तो उसने बेचारे ने था कार के 1,000 रुपये कम दे दो, लेकिन कम से कम दे दो दो। तो ये जो कैश डिस्काउंट है क्या ये परचेज से रिलेटेड है? नहीं, ये किससे रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है। तो क्या इसको एडजस्ट किया जाएगा क्या? नहीं, इसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, नॉट टू बी डिडक्टेड। समझ लीजिए सपोज ये 10,000 था और उसमें से 1,000 का अगर कैश डिस्काउंट मिला, तो परचेज कितने की रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 10,000, और क्रेडिटर को जब 1,000 का डिस्काउंट पे पेमेंट करोगे तो आप क्या कहोगे, क्रेडिटर 10,000 टू कैश 9,000 और टू डिस्काउंट 1,000। क्या परचेज कम किया है क्या? नहीं, परचेज उतना ही अमाउंट भी है, 10,000 के 10,000 भी। अगर कोई सब्सिडी वगैरह कुछ मिल जाता है तो उससे भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि हम कॉस्ट के अंदर उतना ही लिखेंगे जितना एक्चुअल हमसे पेमेंट हुआ है परचेज से रिलेटेड, एक्चुअल पेमेंट हुआ है परचेज से रिलेटेड, समझ पा रहे हो? एक्चुअल पेमेंट मतलब कि कैश में नहीं, एक्चुअल पेमेंट कितना करना है
हमें परचेज से रिलेटेड। अब हो सकता है कैश डिस्काउंट मिल जाए तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, बाकी सारों को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे उनको कम पे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अब अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं जिनकी क्रेडिट, कुछ की क्रेडिट अवेलेबल होती है और कुछ की क्रेडिट अवेलेबल नहीं होती। जैसे GST है, तो आपने परचेज करते हो तो जितने टैक्स दिया वो सेल करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि परचेज के वक्त आपने 18 रुपये का टैक्स दिया, सेल के वक्त आपका 20 का टैक्स बन रहा है, तो आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 2 रुपये का पेमेंट करना, 18 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। तो परचेज करते वक्त जो आपने टैक्स दिया है वो आपने क्या किया, थोड़े टाइम के लिए उधार दिया, क्योंकि सेल के वक्त वापस उसे क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। तो अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो क्या एक्चुअल में आपकी कॉस्ट लग रही है क्या, नहीं, आप सरकार को उधार दे रहे हो थोड़े समय बाद, थोड़े समय के लिए, उसके बाद में क्या कर दोगे आप उसको, एडजस्ट कर दोगे। तो अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो क्या उसे ऐड किया जाएगा, नहीं, इसको ऐड नहीं किया जाएगा, नॉट टू बी एडेड, इसको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो इसको क्या किया जाएगा, कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। मतलब अगर जैसे आपने कोई ऐसा टैक्स दिया है जिसको, जैसे आपका टोल टैक्स हो गया, मटेरियल लेके आ रहे थे उसमें टोल टैक्स का पेमेंट किया, अब सेल करते वक्त अगर आपने टोल टैक्स दिया तो उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, समझ आ रही बात। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपकी कॉस्ट लगी है, समझ आ रही बात, जेब से पैसा गया और वापस रिकवर नहीं हुआ, तो यहाँ एक्चुअल में पैसा लगा इसीलिए इसको क्या किया जाएगा, कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो आपने पैसा दिया है लेकिन वापस रियलाइज हो जाएगा, तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। पेनल्टी और चार्जेज, यहाँ एक चीज समझ लीजिएगा, ये क्या होते हैं, एबनॉर्मल नेचर के, और एबनॉर्मल नेचर के ये जो है कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बने, यहाँ नहीं, मेटेरियल चैप्टर में नहीं, लेबर ओवरहेड कहीं पे भी, अगर एबनॉर्मल कोई भी आइटम है, एबनॉर्मल कॉस्ट है, तो वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कारण क्या है, देखो सपोज क्या हो, हमने 10,000 का मेटेरियल परचेज किया, अब वो मेटेरियल जब हम परचेज करके लेके आ रहे थे तो हमारा जो ड्राइवर था वो मस्त पी के चला रहा था, और यहाँ पर आते आते पुलिस ने पकड़ लिया उसे और 1,000 रुपये का उसका चालान कट गया। क्या हो गया, 1,000 रुपये का चालान कट गया। अब ये जो 1,000 रुपीज़ का चालान है ये कटा, अब हम अगर इसकी कॉस्ट कहते हैं कि 11,000 रुपये, तो अगर हम इसकी कॉस्ट 11,000 कहेंगे तो हमारी सेल प्राइस भी बढ़ेगी। अब हमारे साथ वाला जो है उसकी कॉस्ट बढ़ी है क्या ऐसी, नहीं, उसकी तो कॉस्ट कितनी, 10,000। अगर उसकी कॉस्ट 10,000 और हम हमारी कॉस्ट मान रहे 11,000, सपोज 1,000 का प्रॉफिट है, तो हम कितने पे सेल करने की कोशिश करेंगे उसे, 12,000, और ये कितने पे सेल करेगा, 10,000 प्लस 1,000, 11,000। अब हमारे पास वाला जो है वो 11,000 में सेल कर रहा है, हम 12,000 में सेल कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट सेल होगा क्या, नहीं, हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमने ऐसी कॉस्ट ऐड कर दी जो सिर्फ हमारे साथ लगी है, जो सिर्फ हमारे साथ लगी है, हमारी गलती की वजह से लगी है, ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या करते हैं, कभी भी ऐड नहीं करते। यहीं पर अगर 1,000 रुपये का हमने क्या किया होता, सपोज ये चालान नहीं कटा है, हमने क्या किया, फ्रेट दिया है, किराया दिया, तो फ्रेट हमने दिया है तो हमारे पास वाले ने भी फ्रेट दिया होगा, तो यहाँ पर इसकी भी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,000 की जगह कितना ये मिला के कितना, 11,000, तो ये भी कितने पे रिकवर करने की सेल करने की कोशिश करेगा, 12,000, तो दोनों भी 12,000 पे तो चलेगा। समझ आ रही है भाई, इंडियन सिस्टम क्या होता है, हमारे घर में लाइट कटती है, जैसे लाइट जाती है तो हम क्या करते हैं, सीधा दौड़ के बाहर जाते हैं, बाहर जाके देखते हैं कि गली के अंदर लाइट गई है क्या, गली के अंदर लाइट गई है तो हम वापस आते हैं, आराम से सो जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। अगर हम बाहर गए और सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है, बाकी पूरी कॉलोनी की लाइट आ रही है, तो हम प्रॉब्लम में आते हैं, समझ आ रही है। तो जो कॉस्ट सिर्फ हमारे साथ लगी है वो हम कभी भी कस्टमर से एडजस्ट नहीं कर सकते, कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो हर किसी के साथ लगी है तो हम उसे कस्टमर से जरूर कलेक्ट कर सकते हैं। तो पेनल्टी और चार्जेज ये हमेशा क्या होते हैं, एबनॉर्मल नेचर के। अब इनको क्या कहा जाता है, अलग अलग, जैसे डिमरेज हो गया, डिटेंशन चार्जेज हो गया, फाइन हो गया, पेनल्टी हो गया। डिमरेज क्या होता है, अगर हमने सपोज सप्लाई से खरीद लिया और बहुत टाइम तक हम क्या कर रहे हैं उससे डिलीवरी ले नहीं रहे हैं, तो वो हमसे कुछ चार्जेज लेता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, डिमरेज, वो भी एबनॉर्मल नेचर का होता है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, नॉन रिटर्नेबल और रिटर्नेबल। जैसे काम की बेटियाँ खरीदते हो तो आम की बेटियों के साथ जो बॉक्स आता है वो क्या करते हैं, हमारे पास ही रहता है, क्या हम वापस रिटर्न करते हैं क्या, नहीं, रिटर्न नहीं करते। अगर वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ कंटेनर की जो कॉस्ट होगी वो आगे वाला सप्लायर क्या करेगा, हमसे चार्ज करेगा, समझ आ रही है। तो अगर नॉन रिटर्नेबल है तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करते हैं हमारी कॉस्ट के अंदर। सपोज हमने 5,000 रुपये के आम खरीदे, उसके साथ 5,000 के आम के साथ हमने एक पेटी खरीदनी पड़ती है,
जो 200 रुपये की, ताकि वो हमारे पास सही सलामत पहुँच जाए और वो नॉन रिटर्नेबल मतलब हमारे पास ही रहेगी, तो वो हमसे कितना चार्ज करेगा, 5,200। एक हो गया रिटर्नेबल मतलब गैस की टंकी होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, गैस की टंकी लाए, गैस यूज किया और वापस हम क्या करेंगे, टंकी वापस दे देंगे, तो ये क्या हो गया, रिटर्नेबल। तो रिटर्नेबल के अंदर क्या, वो हमसे गैस के साथ साथ पूरी टंकी की कॉस्ट भी हमसे कवर करेगा क्या, नहीं, वो हमसे सिर्फ गैस के पैसे लेगा, टंकी का क्या लेगा, अमोर्टाइजेशन पार्ट, कि भाई एक गैस की टंकी जो है उसके साथ मतलब 10 साल तक चलती है और एक कस्टमर के पास 1 महीने रहती है, तो वो क्या करेगा, 1/12×10 कर देगा कि भाई 1 महीने की उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उतना पैसा हमसे चार्ज करेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिटर्नेबल है तो अमोर्टाइजेशन जो है वो हमसे क्या किया जाएगा, रियलाइज किया जाएगा, समझ आए। तो आपको बस लॉजिकली सोचना है कि क्या ये कॉस्ट सबके साथ लग रही है, हमारे साथ लग रही है और सबके साथ लग रही है, मतलब नॉर्मल है, तो नॉर्मल के अंदर जितना है उतना हम क्या कर सकते हैं, हमारे मेटेरियल में ऐड कर सकते हैं। अगर हमने अननेसेसरी कुछ अमाउंट एडिशनली लिख दिया, हमारे मेटेरियल की कॉस्ट बढ़ा दी, तो फिर क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी सेम प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर नॉर्मल रीजन से बढ़ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबकी बढ़ रही है, अगर अबनॉर्मल रीजन की वजह से बढ़ा दी तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, क्लियर। तो रिटर्नेबल है तो हम अमोर्टाइजेशन पार्ट जो है, जितना अमोर्टाइज कर रहे हैं वो उतना पार्ट हम कॉस्ट के अंदर ऐड करें। अदर और कोई एक्सपेंडिचर है नॉर्मल रीजन की वजह से, मतलब हमारे साथ हमारी गलती से नहीं हो रहा, पूरे मार्केट में लग रहा है, जैसे गाड़ी लाने वक्त किराया, उसका इंश्योरेंस वगैरह, ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है तो हम उससे क्या करेंगे, ऐड करेंगे कॉस्ट में, और अगर एबनॉर्मल है तो उसको कभी भी ऐड नहीं करेंगे, नॉट टू बी एडेड, क्लियर। ये हो गया हमारा कॉस्ट पार्ट। अब होता है यूनिट परचेज की, उसके अंदर क्या हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है, शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन भी हो सकता है और शॉर्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन भी हो सकता है। नॉर्मल रीजन की वजह से जैसे स्पॉइलेज वगैरह कि जब हम लेके आते हैं तो कुछ पार्ट है जो उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, इस ऐसी सिचुएशन। सपोज हमने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ के अंदर 1100 लीटर जो है वो एक केमिकल ये है जो परचेज किया, जिसमें से 100 लीटर जो है वो क्या नॉर्मल लॉस है, मतलब कि 100 लीटर उसमें से क्या हो जाता है, स्पॉइलेज हो जाता है, उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम ये कहें, हमारे पास 3 सिचुएशन है कि भाई एक तो हम क्या कहें, 1 लाख रुपीज़ के अंदर हमने 1100 लीटर खरीदा, एक हम ये कह सकते हैं, दूसरी सिचुएशन होगी कि 1 लाख रुपीज़ के अंदर हमने क्या किया, 1000 लीटर परचेज किया। अगर फर्स्ट वाली सिचुएशन देखें तो 1 लाख/1100 पर यूनिट कॉस्ट हम कितना मान लें, 90.90 और सेकंड वाले केस में कितना मान लें, 100 रुपये। सर हमें कॉस्ट तो कम से कम माननी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ये नॉर्मल स्पॉइलेज है, मतलब ये हमारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ ही हो रहा है, मतलब हर कोई जो 1100 लीटर खरीद रहा है उसको मिल कितना रहा है, 1000 लीटर ही मिल रहा है। तो क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है तो सारे के सारे लोग हैं जो रिकवर करेंगे, तो सारे के सारे लोग रिकवर करेंगे तो हम भी रिकवर कर सकते हैं, तो हम क्या मानेंगे, 100 रुपीज़ मानेंगे। अब यहाँ पर सपोज हमारा लॉस जो है वो एक्चुअल लॉस जो है हमारा एक्चुअल लॉस सपोज 200 लीटर, तो फिर 3 सिचुएशन हो सकती है कि हम या तो क्या करें, 1 लाख/1100 90.90 या फिर हम क्या करें, 1 लाख/1100 रुपीज़ पर लीटर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 लाख/800 तो पर लीटर हम कितना मान लेते हैं, 11.11। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, अगर आपने 90.90 माना तो फिर आप क्या कर रहे हो, कम कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वाले जो 100 तक तो रिकवर कर रहे हैं, और अगर आप 111.1111 रिकवर करने की कोशिश करोगे तो क्योंकि आपके पास वाले 100 लीटर ही रिकवर कर 100 रुपीज़ पर लीटर ही रिकवर कर रहे हैं, तो आपका 111.11 की वजह से क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल रीजन की वजह से कोई भी शॉर्टेज है, कोई भी लॉस है, तो उसे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कम कर देंगे, क्लियर। और इसको क्या करेंगे, नॉट टू बी सब्सट्रैक्टेड, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, देखो क्रक्स के अंदर, कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट के लिए क्रक्स लिखा है, क्या लिखा है, परमानेंट आउटफ्लो होना चाहिए प्लस सबके साथ होता है, नॉर्मल रीजन की वजह से होता है, तो उसको हम कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट के अंदर भी क्या है कि टोटल इनपुट
लेस नॉर्मल लॉस है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एग्जैक्टली है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ मेटेरियल के वक्त ध्यान रखना है। एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दे रखा है। केमिकल ए को हमने क्या किया, 10,000 kg 10 के हिसाब से खरीदा, बी को 8,000 kg 13 के हिसाब से खरीदा। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% क्रेडिट नॉट अलाउड है। रेलवे फ्रेट है 3820। देखो क्रेडिट नॉट अलाउड है मतलब ये क्या करेगा, कॉस्ट के अंदर इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। ए शॉर्टेज ऑफ 500 इन केमिकल ए एंड 320 इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल लीकेज। जब परचेज किया तो नॉर्मल लॉस हो गया 2%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट पर केजी ऑफ केमिकल रिज्यूमिंग प्रोविजन फॉर 2% ऑफ फर्दर डिटोरिएशन। डिटोरिएशन कह दो, स्पॉइलेज कह दो, ये सारे नॉर्मल लॉस में आते हैं, क्लियर। और वो फर्दर लिखा है, इसका मतलब क्या, पहले ये 500 वगैरह लेस करने के बाद में ये 2% है जो लेस करना है फर्दर डिटोरिएशन, ठीक है। अब देखो कॉस्ट की बात करें तो केमिकल ए और केमिकल बी, सबसे पहले से पहले तो परचेज कॉस्ट, क्या इसको ऐड करेंगे क्या, हाँ ये तो कॉस्ट का पार्ट है। कितना, 1 lakh और 1,04,000, ठीक है। फिर उसके बाद में बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्योंकि क्रेडिट नॉट अलाउड है। कितना है, 20,400। अब ये नहीं दे रखा है कि ए पे कितना है बी पे कितना है, तो 10% दे रखा है, इसके हिसाब से देख लेते हैं कितना होगा। 1 lakh पे 10% 10,000 और 1,04,000 पे 104,000 ये होगा, क्लियर। रेलवे फ्रेट ऐड होगा क्या, ऐड होगा क्योंकि हमारे साथ नहीं है, हर किसी को फ्रेट तो देना ही पड़ेगा, नॉर्मल ही है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं दे रखा है कि ए का कितना है बी का कितना, तो फ्रेट जो वो वैल्यू पे लगता है क्या, नहीं वो वेट पे लगता है। तो वेट के हिसाब से 10 और 8 के रेशियो में बांटो, 3840 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ए में आ गया 2133 और बी में आ गया 1706। सपोज यहाँ पर एक और लिखा होता, 2% कैश डिस्काउंट लिखा होता, क्या कैश डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाता है क्या, नहीं कैश डिस्काउंट को एडजस्ट नहीं किया जाता। अगर यहीं पर क्वांटिटी डिस्काउंट लिखा होता तो हम परचेज में से लेस करते क्या, परचेज कॉस्ट में से लेस करते क्या, हाँ क्वांटिटी डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। यहाँ पर अगर लिखा होता जीएसटी और उसकी क्रेडिट अवेलेबल, तो क्या उसको कॉस्ट में ऐड करते क्या, नहीं उसको ऐड नहीं करते, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल मतलब अभी दे रहे हैं लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, पैसा वापस मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये यहाँ से हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये क्या आ रही है, 1 lakh प्लस 10,000 प्लस 2133, तो ये आ रही है 112133। बी की कितनी आ रही है, 1,04,000 प्लस 104,000 प्लस 1706 116106, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो यूनिट परचेज कितनी ए और बी के, 10,000 और 8,000, कितनी 10,000 ए की और 8,000 बी की, जिसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल लॉस, कितना ए में 500 और बी में 320 एंड 320, ये लेस किया नॉर्मल लॉस, तो कितनी यूनिट मिली हमें 9,500 और 8,000 माइनस 320, कितना सॉरी 8,000 माइनस 320 7,680। अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा पढ़िएगा, एज्यूमिंग प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन, फर्दर मतलब आगे और होगा, मतलब क्या इस अमाउंट पे होगा या इस अमाउंट पे, सॉरी इस अमाउंट पे होगा या इस अमाउंट पे, तो इस पे होगा, क्यों, क्योंकि फर्दर डिटोरिएशन मतलब इसके बाद में होगा, लेस फर्दर डिटोरिएशन, ये क्या है, लेस होगा क्या, हाँ क्योंकि ये डिटोरिएशन स्पॉइलेज वगैरह ये किस में आते हैं, नॉर्मल लॉस में आते हैं, तो 2% है तो 9,500 का 2% हो गया 190, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9,500 माइनस 190, कैलकुलेटर क्यों दिक्कत आ गई, 9,500 का 0.02 190 9,310 और यहाँ कितना हो जाएगा 7,680 इंटू 0.02 153.6 माइनस 7,680 ये हो गया 7,526.4, ठीक है। तो
पर यूनिट अगर बात करें तो हम कितना हो जाएगा यहाँ 112133, इतने रुपए में कितनी यूनिटें मिली 9310, और यहाँ पर क्या कहते हैं 116106, इतने रुपए में क्या मिली 7526.4, इतनी यूनिट मिली। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल का। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब, अब देखें रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट कैसे, अगर आप सपोज आपने परचेज नहीं किया सही टाइम पे रॉ मटेरियल, ठीक है, और आप प्रोडक्शन कर रहे हो और रॉ मटेरियल खत्म हो गया। अब ऐसा है तो है नहीं कि रॉ मटेरियल खत्म होते से एक सेकंड के अंदर लेके आ सकते हैं। रॉ मटेरियल का हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है, फिर हमारे पास आता है। अब आता है तो ऐसा नहीं कि हमारे पास फैक्ट्री, हो सकता है वो दूर हो, तो वहाँ से आने में भी कुछ समय लगता है, 4-5 दिन लगता है। तो अगर सपोज खत्म हो गया उसके बाद आपको पता चला कि खत्म हो गया, तो आप ऑर्डर करोगे तो 4-5 दिन ना लगेंगे आपके पास रॉ मटेरियल आने में। तो 4-5 दिन आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद रहेगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हम पहले से कुछ स्टॉक लेवल डिसाइड कर देते हैं कि भाई अगर स्टॉक कम होता होता यहाँ पर आ गया तो हम आगे वाले को क्या कर देंगे, फोन कर देंगे, क्लियर है कि भाई हमारा नया लॉट है जो भेज दीजिए, समझ आ रहा। फिर सेकेंड सिचुएशन आती है रॉ मटेरियल कितना खरीदा जाए। सपोज आपको टोटल साल भर में 1,00,000 kg की रिक्वायरमेंट, अब 1,00,000 kg पूरा साल में खरीद लिया जाए या 10,000 के लॉट खरीदे जाए या 20,000 के लॉट खरीदे जाए। सपोज अगर आपने डिसाइड किया कि 1,00,000 पूरा साथ खरीद लें, तो 1,00,000 kg को रॉ मटेरियल को आपको स्टोर करने के लिए आपको क्या होगी, जगह लगेगी, उसका किराया लगेगा। अब उसमें से अगर पूरा साथ में खरीदा तो हो सकता है उसमें कुछ स्पॉइलेज हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्टिव हो जाए, भाई ऑब्सोलेट हो जाए कि भाई इतने टाइम रखा दिए रॉ मटेरियल खराब हो गया, पुराना हो गया। तो अगर आप ज़्यादा खरीदोगे तो ये दिक्कत रहेगी। अगर आप कम खरीदते हो, सपोज 1,000 या 10,000 के लॉट में खरीद रहे हो, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं रॉ मटेरियल खत्म नहीं हो जाए, स्टॉक आउट की दिक्कत नहीं आ जाए। स्टॉक आउट मतलब प्रोडक्शन रुक रहा है रॉ मटेरियल की वजह से, स्टॉक आउट दोनों सिचुएशन हो सकता है। फिनिश गुड्स में स्टॉक आउट मतलब कस्टमर तैयार है लेकिन आपके पास यूनिट नहीं है, और अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो प्रोडक्शन के लिए मशीनें तैयार हैं लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो ऐसे स्टॉक आउट की सिचुएशन हो सकती है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर इसको ये आपका कम करोगे, सपोज आपने एक तो कहा कि 1,00,000 है जो एक साल में होंगे, तो एक बार ट्रक भेजोगे पूरा का पूरा 1,00,000 kg लिया होगा। अगर 10,000 का तो आपको 10 बार क्या करना होगा, ट्रक को भेज के लेके आना पड़ेगा, तो ऑर्डर कॉस्ट है जो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, क्लियर। तो किस क्वांटिटी में खरीदा जाए कि आपकी टोटल कॉस्ट है जो कम हो, ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, कितना कम से कम कितना रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करने के लिए हम कुछ उसको सारों को क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। अब ये कौन कौन सी चीज़ है जो कैसे कैसे डिसाइड की जाती है, तो उसमें सबसे पहला जो सिचुएशन है वो ये है कि रीऑर्डर लेवल सर कैसे डिसाइड करें। इसमें दो अप्रोच है, एक तो अप्रोच वन है जो तो आप नॉर्मली इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और अप्रोच टू के एक ही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा घूमता है IPL लिमिटेड करके, और जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर तो एग्जाम के अंदर हर 2-3 अटैम्प आता था, नए वाले के अंदर एक RTP में जरूर अभी इस क्वेश्चन को दिया है और आ सकता है, तो उसको अब इसको भी अपन समझेंगे कि क्या है। फर्स्ट अप्रोच है रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड करें। अब हमने रीऑर्डर लेवल डिसाइड करने के लिए हमने कहा कि भाई रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या, तो हमने कहा कि रीऑर्डर लेवल मतलब कि स्टॉक का लेवल जिस दिन इतना हो जाएगा तो हम आगे वाले को फ़ोन कर देंगे कि भाई साहब हमारा जो कंसाइनमेंट है, हमारा जो मटेरियल का कंसाइनमेंट है उसे वहाँ से डिस्पैच कर दीजिए, वहाँ से भेज दीजिए, वो लेवल हमारा क्या है रीऑर्डर लेवल। हमने कहा साहब समझ आ गया। तो अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कितने पे हमें आगे वाले को फ़ोन करना चाहिए, तो उसके लिए हमने खुद में थोड़ा एनालिसिस किया, तो हमने कहा कि हमारा कंजम्पशन कितना है, एक दिन के अंदर कंजम्पशन कितना होता है, तो हमें पता चला कि कंजम्पशन अलग अलग सिचुएशन अलग अलग होता है। अगर सीजन चल रही हो तो मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, सीजन चल रही है तो उस केस में इतना हो सकता है, अगर सीजन नहीं चल रही ऑफ सीजन तो इतना होता है, और ऑन एन एवरेज इतना होता है। अब ये जो है ये डाटा लेके हम गए हमारे सप्लायर के पास, और सप्लायर को कहा कि भाई आप हमें आप अगर मटेरियल का ऑर्डर दे देते हैं, हम जब देते हैं तो उसके बाद आप कितने दिन में डिलीवरी देते हो, तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी अगर हमारे पास भी सेम सिचुएशन, अगर हमारी सीजन का टाइम चलेगा तो हमें डिलीवरी देने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर नॉर्मल चलता है तो उसमें एवरेज लगेगा, और हो सकता है कि हम ऑफ सीजन में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो आप ऑर्डर दोगे तो हम बहुत जल्दी से आपको डिलीवरी भी दे सकते हैं। तो हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की। जब हमने कैलकुलेट की तो हमें पता चला कि हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन एक दिन में कितना हो सकता है, 10 यूनिट, ऑन एन एवरेज हमारे एक दिन में कंजम्पशन होता है 8 यूनिट, और कम से कम अगर हम देखें तो 6 यूनिट है जो कंज्यूम होती है।
हमने जब सप्लायर को पूछा तो उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम टाइम लेंगे तो 5 दिन लेंगे, ऑनलाइन एवरेज हम 4 दिन में दे देते हैं, और कम से कम हो सकता है कि अगर हमारी ऑक्सीजन जल ले तो हम 3 दिन में डिलीवरी दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है, अब ये जो डाटा है इसके बेसिस पर हमें क्या करना है, हमारे रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन हमने किया कि एवरेज इनटू एवरेज के हिसाब से डिसाइड किया। हमने कहा कि एवरेज कंजम्पशन कितना पर डे 8 यूनिट और एवरेज री टाइम कितना 4। तो हमने 8 × 4 कितना 32 kg को हमने क्या कर दिया, हमारा रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर दिया। या फिर सिचुएशन हो सकता है कि मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम को कर दें कि 10 × 5 कितना 50 kg को हम क्या करते हैं, रीऑर्डर लेवल है जो डिसाइड करते हैं। और या क्या करते हैं 6 × 3 18 kg को हम क्या करते हैं, हमारा रीऑर्डर लेवल है जो डिसाइड करते हैं। अब किसको करें जो ज़्यादा सबसे सही होगा। अब यहाँ 50 kg ज़्यादा रखेंगे तो हमें क्या होगा, इतना वो स्टोर करना पड़ेगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, यहाँ कॉस्ट हमारी कम लगेगी। लेकिन क्या 18 kg से हमारा काम चल जाएगा। अब देखो सपोज हमने 18 kg को रीऑर्डर लेवल रखा, तो जैसे ही हमारा स्टॉक कम होता होता 18 kg पर हमने आगे वाले फ़ोन किया भाई सब भेज दीजिए, उसने भेजा। अब उस दिन सुबह को कितना था 18 kg था, तो उस दिन के अंदर कितना कंज्यूम हो गया, सपोज हमारा सीजन चल रहा था 10 कंज्यूम हो गया, तो बैलेंस कितना बचा 8। अब दूसरे दिन हमारा फिर सीजन चल रही थी तो हमें 10 कंज्यूम करना था, लेकिन 10 अवेलेबल है क्या, हमारे पास अवेलेबल ही कितना है 8। तो दूसरे दिन हमारा 2 स्टॉक आउट होगा, मतलब कि 2 यूनिट जो बना सकते थे वो रॉ मटेरियल की वजह से नहीं बन पाएगी। तीसरे दिन हमारे पास है ही नहीं, तो तीसरे दिन भी हमें खाली बैठना पड़ेगा। चौथे दिन भी हमें खाली बैठना पड़ेगा। पाँचवें दिन भी खाली बैठना पड़ेगा। हमने उसको फ़ोन किया डिलीवरी को नहीं दे रहे, उसने कहा हमारी भी सीजन चल रही है, आपकी सीजन चल रही है, हमारी भी सीजन चल रही है, तो 5 दिन लगेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, 3 दिन तो पूरे खाली रहे और चौथे दिन 2 kg के लिए हम 2 kg के लिए खाली बैठे रहे। तो हमने डिसाइड किया भाई मिनिमम इनटू मिनिमम तो नहीं होना चाहिए। स्टॉक आउट तो बहुत बुरी सिचुएशन है, प्रोडक्शन अगर रुक रहा है तो उससे बुरी सिचुएशन तो क्या हो सकती है। तो हमने कहा ये तो नहीं रखें, हमने कहा एवरेज इनटू एवरेज वाला देखते हैं। अब एवरेज इनटू एवरेज रखा और फिर उसके बाद वही सिचुएशन की सीजन चल रही, तो पहले दिन तो 10 कंज्यूम किया, बैलेंस बचा 22। फिर दूसरे दिन कंज्यूम किया 10, बैलेंस बचा 2। फिर कंज्यूम किया 10, बैलेंस बचा 2। और फिर कंज्यूम करना था 10, लेकिन हमारे पास बैलेंस है कितना 2 ही अवेलेबल है, तो हम 8 kg के उस दिन शॉर्टेज रही। और फिर पाँचवें दिन हमने प्रोडक्शन कुछ किया नहीं, तो पाँचवें दिन प्रोडक्शन बंद रहा। मतलब एक तो पूरा दिन बंद रहा और दूसरा ऑलमोस्ट पूरा दिन बंद रहा, मतलब 2 kg ही थे, बाकी 8 kg तो हमारे उस दिन पे स्टॉक आउट था। तो हमने कहा ये भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन है जो ब्रीच हो रहा है, तो हमें ये भी नहीं करना। अब थर्ड वाली सिचुएशन अगर ये है, पहले दिन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगा तो 10 होगा, बैलेंस बचा 40, दूसरे दिन 10, 30, फिर 10, 20, फिर 10, 10, फिर 10, 0। तो 0 कब होगा, 5th डे के एंड पे। और 5th डे के एंड पे तो उसने कहा था कि हम किसी भी सिचुएशन में आपको क्या कर देंगे, पहुँचा देंगे। तो हमने रीऑर्डर लेवल हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे वीक कोई भी हो सकता है, मैं डे लिख रहा हूँ ठीक है, बाकी पर वीक भी हो सकता है, अगर वीक में दे रखा है तो पर डे मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। क्लियर। अब ये हमने डिसाइड कर दिया कि रीऑर्डर लेवल ये रखेंगे। ऐसा क्यों रखेंगे, ताकि क्या हो, सो वी कैन इग्नोर स्टॉक आउट, हम स्टॉक आउट को क्या कर सकें, इग्नोर कर सकें। इस हिसाब से हमने रीऑर्डर लेवल को डिसाइड किया। क्लियर। अब बात आई कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के क्या लिए क्या होगा, जिस दिन रीऑर्डर लेवल आएगा उस दिन हम क्या करें, जैसे ये कम होता होता रीऑर्डर लेवल पे आ गया यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया, आगे वाले फोन किया भाई साहब हमारा ऑर्डर भेज दीजिए। अब इसके बाद में से क्या होगा, 3 सिचुएशन हो सकती है। या तो क्या हो, सीजन चल रही हो तो बहुत ज़्यादा ही कंजम्पशन होगा, ये बहुत नीचे जाएगा और आगे वाला भी लेट पहुँच जाएगा, तो ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर एवरेज वाली सिचुएशन है तो उससे थोड़ा ऊपर तक जाएगा। और अगर मिनिमम वाली सिचुएशन चल रही है तो हमने ऑर्डर तो यहाँ दे दिया, लेकिन थोड़ा सा कम होगा तब तक नया वाला ऑर्डर आ जाएगा। अब ऑर्डर कितने का आएगा वो तो फिक्स होगा तीनों सिचुएशन में, लेकिन कितना ही हो, क्योंकि उस दिन हमें बताना होगा पैसा भेज दीजिए, उसने कहा कितने kg भेजे, हमने कहा कि 10,000 kg भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि उसको 10,000 kg भेज दीजिए। अब पहली सिचुएशन है कि जिस दिन का उस दिन के बाद में मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम ही हमारा कंज्यूम हो रहा है,
तो पांचवें दिन के एंड पर पहुंचा है तो कितना हो गया था उस दिन बैलेंस, जीरो हो गया था। क्लियर, जीरो हो गया। और इसके बाद में 10,000 आया था, हम कहाँ तक पहुँच गए सपोज, ये यहाँ पर 10,000 है तो हमारा स्टॉक लेवल यहाँ पहुँच गया। सेकेंड सिचुएशन थी कि हमने स्टॉक लेवल जो था 50 पे ऑर्डर किया, ठीक है, और एवरेज इनटू एवरेज ही कंज्यूम हुआ, मतलब कि हमारा 32 हुआ, तो हमारा बैलेंस कितना था 18 था, यहाँ जीरो, यहाँ एवरेज इनटू एवरेज था तो बैलेंस कितना था 18, और यहाँ से जब हमें नया मिलेगा तो 10,000 के साथ ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ तक पहुँच जाएगा। और थर्ड है कि 50 पे हमने ऑर्डर किया और मिनिमम इनटू मिनिमम के हिसाब से हुआ तो 18 ही कंज्यूम हुआ, तो बैलेंस कितना बचा 32 का बैलेंस था उसने, और हमें नया ऑर्डर जो रिसीव हो गया, तो नया ऑर्डर रिसीव होते से ये 10,000 मिल के क्या हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। ये वाली सिचुएशन आपने कैसे की, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, नए वाले जो इतने क्वांटिटी दी है, मतलब जो भी 10,000 ये वाला लेवल है जो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम, सर मिनिमम तो सीधी सी बात है ये जीरो ही है, लेकिन इन्होंने कहा अगर जीरो ही है तो फिर मिनिमम को कैलकुलेट करने की भी क्या जरूरत है, तो मिनिमम को माना किसको जाता है, इसको माना जाता है, मतलब रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। एक्चुअल में तो क्या है, माइनस मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम करना चाहिए, पर मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम तो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। क्लियर, ये एक इलस्ट्रेशन है जिसको कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, इसके अलावा दो और है, डेंजर लेवल मतलब इमरजेंसी परचेज का दे रखा होगा, वो बीजे से फॉर्मूला कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर जो है वो 20 है, नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5,000 है, और ट्रांसपोर्टेशन ये है और एनुअल कॉस्ट जो ये है। चलो इससे पहले एक अपने को ईओ क्यू का कॉन्सेप्ट और पढ़ना होगा तभी ये समझ आएगा। एक सेकेंड, कहाँ चला गया ईओ क्यू, ये है। इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है ईओ क्यू, ये कंप्लीट करने के बाद में आपको क्वेश्चन करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एक होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड कर दिया कि यहाँ से हमें फ़ोन करना चाहिए, ठीक है, फ़ोन करके कह देना चाहिए भाई साहब हमारा नेक्स्ट लॉट है जो भेज दीजिए। क्लियर, अब उन्होंने कहा कि कितने का लॉट भेजें, तो यहाँ पर अब हमारे लिए कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन कैसे, कि सपोज टोटल हमें 1,00,000 kg खरीदने साल भर में, अब हम उसको अलग अलग तरीके से खरीद सकते हैं, या तो एक बार 1,00,000 kg खरीदें, या फिर हम 10,000 के 10 ऑर्डर दें, या फिर 50,000 के 2 ऑर्डर दें, या 20,000 के 5 ऑर्डर दें, या 5,000 के हम 20 ऑर्डर दें, या 1,000 के हम 100 ऑर्डर दें, अलग अलग सिचुएशन। अब जैसे ऑर्डर साइज कम होगी वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। कैरिंग मतलब कि आपके पास यूनिट कितनी रखनी है, अगर 1,000 का ऑर्डर देते हो मतलब 1,000 यूनिट स्टोर करके रखनी है तो स्टोरेज कॉस्ट कम हो गई। अगर 1,000 यूनिट खरीद रहे हो तो पैसा भी 1,000 का देना, तो पैसा भी ब्लॉक क्या होगा, कम होगा, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का लॉस है वो भी कम होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर, तो ऑब्सोलेंस भी कम होगा, ऑब्सोलेंस की रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर 1,000 है तो हर बार फ्रेश फ्रेश मटेरियल मिलेगा अपने, ठीक है, लेकिन ऑर्डर आपको क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा बार करने पड़ेंगे, मतलब कि ऑर्डर कॉस्ट, एक बार ऑर्डर दोगे तो एक बार आपका ट्रक जाएगा आएगा, तो ये ऑर्डर कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फ्रेट लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, ये सारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, समझ पा रहे हो, तो अगर ऑर्डर साइज कम है तो कैरिंग कॉस्ट तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन आपकी ऑर्डर कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके ऑपोजिट अगर आप ऑर्डर साइज बढ़ाते हैं, तो ऑर्डर साइज बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सपोज आप 50,000 में खरीदोगे तो ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे, सिर्फ दो ही, तो ऑर्डर कॉस्ट कितनी बार लगेगी, दो बार ही लगेगी, लेकिन यूनिट कितनी कैरी करनी पड़ेगी, 50,000, तो इसका मतलब 50,000 यूनिट के लिए आपको स्टोर करना, स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गया। उसके अलावा पैसा लगेगा पूरा 50,000 का, तो इतना पैसा ब्लॉक हो गया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो उसका लॉस हो जाएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है। उसके अलावा उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेंस हो जाएगा, 50,000 एक साथ खरीदोगे तो रॉ मटेरियल ख़राब भी होगा, अगर ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो ऑब्सोलेंस रेट भी बढ़ जाएगी। तो अब सिचुएशन ये है कि हम कम करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कम हो रही है लेकिन ऑर्डर कॉस्ट बढ़ रही है, अगर ऑर्डर साइज बढ़ा देते हैं तो कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाती है लेकिन ऑर्डर कॉस्ट है जो क्या हो जाती, अगर ऑर्डर साइज बढ़ा देते हैं तो सॉरी ऑर्डर कॉस्ट तो कम हो जाती है लेकिन कैरिंग कॉस्ट है जो बढ़ जाती है, तो दोनों अपोजिट सिचुएशन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ईओ क्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक मतलब सबसे सस्ता, कि यह अगर इस ऑर्डर साइज में अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपका टोटल ऑर्डर कॉस्ट है जो क्या होगा, सेम, मतलब सबसे कम होगा।
और उसके बाद में कहा इस फॉर्मूले ने कहा कि ए टी ओ क्यू अगर पता करना चाहो तो आप ए टी ओ क्यू ये पता कर सकते हो कि ए टी ओ क्यू क्या होगा टोटल ऑर्डर कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल होगी टोटल कैरिंग कॉस्ट। समझिएगा अगर ये ऑर्डर साइज है ठीक है तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी जैसे जैसे ऑर्डर साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और ऑर्डर कॉस्ट जो है वो क्या होगी जैसे जैसे ऑर्डर साइज ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे ये कॉस्ट जो क्या होती जाएगी रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर, ये इसको एक बार बताने के लिए है, बाकी इसको छोड़ दीजिए। अब इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया 2AO डिवाइड बाय C। यहाँ मतलब समझिएगा A का मतलब क्या है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, A का मतलब क्या है एनुअल, ये सारा जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सारा कॉन्सेप्ट बुक में लिखोगे। A का मतलब क्या है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर ध्यान ये रखना एक तो एनुअल और एक डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, सर इन दोनों पे गोला क्यों गया। कई बार क्वेश्चन क्या कर लेता है डिमांड जो है वो मंथली दे देता है और आप जल्दी में क्वेश्चन को क्या करते हो मंथली डिमांड के हिसाब से कर लेते हो। नहीं, ईओक्यू का फॉर्मूला में ए का मतलब क्या एनुअल डिमांड, तो आपको डिमांड कब की देखनी होगी पूरे साल भर की देखनी होगी एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल पे क्यों गोला किया, अब सपोज क्वेश्चन ने कहा है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो 10,000 यूनिट है और साथ में क्वेश्चन ने लिखा है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट इज इक्वल टू 5 kg, तो यहाँ पर आपको एनुअल डिमांड में क्या इसे 10,000 को लेना है क्या, नहीं आपको रॉ मटेरियल की डिमांड देखनी है। रॉ मटेरियल कितनी होगी 10,000 यूनिट बनानी है तो एक यूनिट के लिए 5 kg चाहिए तो कितना 50,000 kg है जो आपको रॉ मटेरियल परचेज करना। क्वेश्चन कभी और भी थोड़ा और अगर करना चाहे तो वो क्या कह सकता है कि ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 20,000 kg है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 kg और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 10,000 kg, तो उस केस में क्या करोगे 50,000 तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए लेकिन इसमें से 20,000 तो ओपनिंग में से यूज कर लोगे तो आपको कितना खरीदना है 40,000 और क्लोजिंग रखना है 10,000 तो टोटल आप खरीदोगे कितना 30,000 और 10,000 तो आप कितना खरीदना है 40,000, तो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल में कितना लोगे 40,000 लोगे, समझ पा रहे हो। तो आपको क्या करना है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, ये चीज़ें जो आप हाईलाइट कर दीजिए। फिर क्या है ओ का मतलब क्या है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर देने में कितना कॉस्ट लगता है, यहाँ पर ऑर्डर पर अंडरलाइन कर दीजिए बाकी यहाँ पर वैसे पर ऑर्डर दे रखे होता है। फिर सी का मतलब क्या है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और पर एनम, या एनम पे क्या कर दीजिएगा पर एनम पे क्या कर दीजिएगा हाईलाइट कर दीजिएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वैसा कर सकता है पर मंथ दे सकता है, अगर पर मंथ दिया तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके उसे क्या करना होगा पर एनम करना होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर कभी कन्फ्यूज ना हो। अब सर ईओ क्यू का क्वेश्चन क्या है एकदम प्लेन ही होगा क्या, नहीं ईओ क्यू का क्वेश्चन तीन सिचुएशन हो सकता है, एक तो प्लेन हो, दूसरा है जो ईओ क्यू विथ डिस्काउंट हो, मतलब ईओ क्यू था उसके साथ एक डिस्काउंट का ऑप्शन था और एक प्राइस है जो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही है। हम तीनों एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन प्लेन वाला कि एनुअल डिमांड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट था 40,000 यूनिट्स ठीक है और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट जो है वो 2.5 kg, परचेज प्राइस ऑफ 1 kg है 10 rupees, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो 500 है और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ है 0.833% ऑफ परचेज प्राइस। क्लियर, कैलकुलेट ईओ क्यू, तो ईओ क्यू लिखने से पहले आप क्या कीजिए ए लिखिए, ए क्या है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, देखो एनुअल डिमांड तो लिखा है लेकिन किसका लिखा है फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए क्या, नहीं हमें रॉ मटेरियल की चाहिए, तो रॉ मटेरियल की कितनी होगी 40,000 यूनिट बनानी है और एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी चाहिए 2.5 kg, 40,000 × 2.5 कितने केजी चाहिए हमें 1 lakh, तो ए कितना हो गया 1 lakh। ओ क्या है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखा है क्या 500 rupees, तो ओ तो सीधा हो गया 500। सी क्या है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट
पर एनम। यहाँ पर क्या दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ। ये पर मंथ देखते से आपको पर मंथ पर क्वार्टर ये क्या होना चाहिए, चुभना चाहिए मन में। पर मंथ है 0.833%, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 0.833 × 12 कितना परसेंट, 10% ऑफ परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस कितना है, 10 है, तो 10 का 10% कितना हो गया, 1। अब देखिए 2 ए की जगह कितना कर दोगे, 1 लाख। ओ की जगह कितना कर दोगे, 500। और सी की जगह कितना कर दोगे, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 लाख × 500, और इसको अंडर रूट में डाल दो तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो आपको एक बार में कितना खरीदना है, 10,000 केजी खरीदना है। ये चीज समझ चुके होंगे, यहाँ पर जहाँ गलती कर सकते हो वो मैंने बता दिया एनुअल में और ये रॉ मटेरियल के अंदर, और ये यहाँ पर चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सर आपने तो कहा था 3 केस हो सकते हैं, ये तो आपने एक केस बता दिया। अब देखो सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, 10,000 केजी डिसाइड कर दिया कि हम क्या करेंगे, 10,000 केजी परचेज करेंगे। सर आपने कहा था कि ईओक्यू पे ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है, चेक करते हैं। देखो ऑर्डर कॉस्ट कितनी लगेगी, टोटल आपको ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे, टोटल आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 1 लाख के जी। एक बार में कितना मंगवा रहे हो, 10,000, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे, 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर में कितने रुपए लगते हैं, 500, तो कितना हो गया, 10 ऑर्डर × 500 कितना हो गया, 10 × 5,000 रुपये। कैरिंग कॉस्ट कितने यूनिट खरीद रहे हो, 10,000, और एक यूनिट में को कैरी करने में पूरे साल भर में कितना पैसा लगता है, 10,000 × 10% 1 रुपया, एक कितना हो गया, 10,000। सर गलत हो गया, आप तो कह रहे थे दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए अगर आप 10,000 केजी का ऑर्डर देते हो तो ऐसा नहीं कि आपके पास हमेशा 10,000 केजी रहेगा, जिस दिन आपके पास ऑर्डर आएगा उस दिन 10,000 होगा, फिर धीरे 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 होते 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 कम होते होते वापस कहाँ तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, 0 पर होगा, फिर वापस नया ऑर्डर आएगा, फिर वापस क्या हो जाएगा ऑर्डर सही, 10,000, फिर धीरे 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 कम होता होता उसमें से यूज करेंगे 0 होगा, फिर नया ऑर्डर आएगा, फिर 10,000 होगा। तो अगर 10,000 का ऑर्डर देते हैं तो क्या हमारे पास थ्रू आउट द ईयर 10,000 रहेगा क्या, नहीं, 10,000 और 0 के बीच में रहेगा। तो इसीलिए कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट जब करते हैं तो हम जितनी ऑर्डर साइज होती है उसमें क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कितना, 5,000। अच्छा इसीलिए दोनों बराबर हो रहे हैं, सही है, समझ पा रहे हो, क्लियर। सेकेंड सिचुएशन है, वॉट वुड बी द ऑर्डर साइज इफ सेलर ऑफर ए 5% डिस्काउंट इफ ऑर्डर मोर देन 20,000 कीजिए। आपने ये क्यों कैलकुलेट किया, आपने कहा कि मैं 10,000 की साइज के अंदर ही ऑर्डर दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि 10,000 की साइज पे अगर ऑर्डर देता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट है जो कम से कम होगी। ये कैलकुलेट करके आप गए दौड़ते दौड़ते काम पे सेलर के पास और कहा कि भाई साहब 10,000 के हिसाब से मैं लॉट में पैकेट 10,000 के साइज में ऑर्डर देंगे। उसने कहा ठीक है 10,000 में लीजिए, लेकिन आपको एक बात बता दूँ। हमने कहा बता दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी या कोई कस्टमर हमसे 20,000 केजी या उससे ज़्यादा खरीदता है एक साथ में तो हम उसको 5% डिस्काउंट देते हैं। अब डिस्काउंट सुनने के बाद में आप ऐसा नहीं कि नहीं मैंने तो कैलकुलेट किया है ईओक्यू और सबसे कॉस्ट कम कॉस्ट है जो ईओक्यू पे होता है, ऐसा नहीं कह रहे। अगर वो कहता है 5% डिस्काउंट है तो आप जेब से जहाँ ईओक्यू को कैलकुलेट किया वो पेज निकालिए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए और क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि ईओक्यू पे कितनी टोटल कॉस्ट बन रही है और यहाँ पर जो क्वांटिटी डिस्काउंट जहाँ पे दिया वहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। कैसे, अगर 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं तो कितना, और 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं तो कितना। पहले बात करते हैं परचेज कॉस्ट, तो 10,000 यूनिट्स के अंदर क्या होगा, एक यूनिट कितने पे खरीदते हो, 10 रुपये पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट है तो कितनी खरीदने हैं दोनों जगह, 1 लाख, तो यहाँ कितनी होगी, 1 लाख × 10। ये ऑर्डर साइज है, समझ आ रही बात, ये ऑर्डर साइज है, ऐसा नहीं कि यूनिट है, ऑर्डर साइज है 10,000, तो टोटल 1 लाख खरीदने हैं तो 1 लाख यहाँ पर ईओक्यू पे कोई डिस्काउंट है क्या, नहीं, तो टोटल परचेज कॉस्ट कितनी लगेगी, 10 लाख, 1 लाख × 10, यहाँ पर कितनी लगेगी, 1 लाख यूनिट परचेज करनी है, लेकिन क्या होगा आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 10 रुपये की जगह कितना मिलेगा, 10 − 5% कितने में मिलेगा, 9.5 रुपये, कितने में मिलेगा, 9.5 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 9.5 × 10 हो गया, सॉरी 9.5 × 1 लाख,
कितना हो जाएगा 9,50,000, कितना हो गया 9,50,000 का, ठीक है। ऑर्डर कॉस्ट टोटल 1,00,000 खरीदने, सॉरी ये लेट नहीं हो रहा, चलो कोई बात, 1,00,000 का परचेज करना है, एक बार में कितना करते हैं 10,000, तो कितने 10 ऑर्डर देने होंगे, एक ऑर्डर पे 500, तो कितने रुपए लगेंगे 5,000 रुपये। यहाँ क्या है 1,00,000 है और एक बार में कितना ऑर्डर देते हैं 20,000, तो कितने ऑर्डर देंगे 5 और एक ऑर्डर के 500 रुपये, तो कितने 2,500 रुपये। फिर है कैरिंग कॉस्ट, 10,000 यूनिट परचेज करते हो एक बार में, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 और पर यूनिट कितना है कैरी करने में 1 रुपया लगता है, तो कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 2 × 1 कितना 5,000, क्लियर। और यहाँ कितना 20,000 यूनिट परचेज करते हो डिवाइड बाय 2 × 1 कितना हो गया 10,000। अगर यहाँ ऐसा कर दिया तो अब क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ये एक और लास्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर कैरिंग कॉस्ट क्या है, इफ कैरिंग कॉस्ट जो है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, देन रिमेंबर इफ परचेज प्राइस चेंज देन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आल्सो। सर क्या लिखा है, देखो कैरिंग कॉस्ट दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो कैरिंग कॉस्ट उन्होंने दी कि पर यूनिट हम कितना रुपए लगेंगे, 1 रुपया लगेगा पर यूनिट, पर एनम एक यूनिट को कैरी करने में हमें 1 रुपया लगेगा, एक तो ये पहली सिचुएशन होगी। और दूसरी सिचुएशन होगी कि परचेज प्राइस का 10% लगेगा। अगर 1 रुपीज पर यूनिट है पर एनम, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो क्योंकि वो तो वही रहेगा। लेकिन अगर लिखा है 10% ऑफ परचेज प्राइस है, तो उस केस के अंदर डिस्काउंट मिलेगा तो परचेज प्राइस चेंज होगी, और परचेज प्राइस चेंज होगी तो उसके साथ साथ कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। जैसा कि यहाँ इस सिचुएशन में, यहाँ पर क्या था 10% ऑफ परचेज प्राइस है, यहाँ परचेज प्राइस क्या होगी 9.5, तो इसका 10% ऑफ आपकी ये अमाउंट कितना हो जाएगा 0.95, ये कितना हो जाएगा 0.95, तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा 0.95 × 10,000, ये कितना हो जाएगा 9,500। ये इस तरीके से करना है, और यहाँ पर क्या कर दोगे टोटल कर दोगे, तो ये कितना हो गया 10,10,000, और यहाँ कितना हो गया 9,50,000 प्लस 2,500 प्लस 9,500, 962,000। तो हमें कॉस्ट कम कहाँ पड़ रही, यहाँ पड़ रही, तो हम क्या इस पर ऑर्डर करेंगे डिस्काउंट करेंगे। थर्ड जो है वो क्या है, प्राइस चेंज स्टेप बाय स्टेप। अब हमें ईओ के वगैरह कैलकुलेट करके वहाँ पर गया और उनको पूछा कि भाई साहब प्राइस क्या है, तो उन्होंने कहा 10 रुपये। हमने कहा कि 10 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट तो उन्होंने कहा कोई डिस्काउंट नहीं है, तो हमने कहा कि 10,000 के हिसाब से ऑर्डर दे, तो उसने कहा कि 20,000 में 5% डिस्काउंट। हमने कहा कि दूसरी बार गए तो उसने कहा 20,000 5% डिस्काउंट है, तो हमने कहा कि फिर 20,000 दीजिए क्योंकि वहाँ टोटल कॉस्ट कम पड़ गई। तीसरी बार जब हम गए और उसको पूछा कि प्राइस क्या, तो उसने कहा कि ऐसा है, देखो भाई साहब यहाँ आइए बैठिए समझिए, कॉस्टिंग के क्वेश्चन जैसा ही कुछ हाल हमने बना दिया हमारी परचेज प्राइस का, कि 10,000 से कम का अगर ऑर्डर देते हो तो आपको लगेंगे 10 रुपये, 10,000 से 20,000 तक देते हो तो 9 रुपये, 20,000 से 50,000 के बीच अगर आपकी ऑर्डर साइज रहती है तो 8 रुपये, और 50,000 से ऊपर रहती है तो 7 रुपये। अगर ऐसा कहते हैं तो फिर आप क्या कर लीजिएगा, वहीं पर बैठिएगा, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट। 10,000 से कम में मान लीजिए किसी को भी, मान लीजिए 5,000, फिर जहाँ चेंज हो रहा है 10,000, फिर यहाँ पर 20,000 पे, और यहाँ 50,000। इन हर सिचुएशन पे क्या कीजिए, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट, ये ऑर्डर साइज मान के फिर कैलकुलेट कर दीजिए, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, जहाँ पर सबसे कम आया उसको सेलेक्ट कर लीजिए।
ये आपके पास ईओक्यू के तीन तरीके, मतलब कितनी यूनिट परचेज करें उसके तीन तरीके। तो उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ आपको पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो, डिटेल्स गिवन बिलो, आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक इमरजेंसी परचेज का टाइम दे रखा होता है, उसके हिसाब से कर देते हैं। रीऑर्डरिंग क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर इज रुपीज 20, मतलब ये क्या हो गया, परचेज ऑर्डर कितना है 20 रुपीज, मतलब वो कितना हो गया 20। नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के भी दे रखी है 5000, तो ये कितना हो गया 5000। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रुपीज 50, परचेज प्राइस दे रखी है, सॉरी 50, परचेज प्राइस जो है वो 50। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, यहाँ भी एनुअल कॉस्ट क्वेश्चन काफ़ी शरीफ है, तो सी भी उसने दे दिया 5 रुपीज़। डिटेल ऑफ लीड टाइम एवरेज दे दिया, मैक्सिमम दे दिया, मिनिमम दे दिया, और फॉर इमरजेंसी परचेज दे दिया। इमरजेंसी परचेज किसके लिए हो जाएगा? डेंजर लेवल के लिए। और कंजम्पशन उसने एवरेज दिया, मैक्सिमम दिया, मिनिमम दिया नहीं। सर मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम कितना है? 20 है और एवरेज 15 है, मतलब मिनिमम कितना हो जाएगा 10, तभी तो 10 प्लस 20 का एवरेज जो है वो 15 हो जाएगा, तो मिनिमम जो है वो कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स पर डे। ठीक है सर, क्या पूछा? रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड करते हैं भाई? मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम, कितना होगा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना है? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना है भाई? 20 यूनिट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 15 डेज। 20 × 15 कितना हो गया? 300। फिर उसने क्या कहा? मैक्सिमम लेवल जो हम कैसे कहते हैं, ROL माइनस मिनिमम मल्टीप्लाई बाय मिनिमम प्लस ROQ। ROL कितना है? रीऑर्डर लेवल कितना है? 300 माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन पर डे कितना है 10, और मिनिमम लीड टाइम कितना है 5, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नई क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा था, EOQ को ROQ मानेगा। अब EOQ कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना था? 5000। ओ कितना है? 20, और सी कितना है? 5। तो ये कितना हो गया? 2 × 5000 × 20 / 5 ब्रैकेट के अंदर, तो ये कितना हो गया? 200 + 200, तो ये कितना हो जाएगा? 300 − 50 + 200 = 500 / 500 − 50 कितना हो गया ये? 450। क्लियर है? फिर उसने पूछा है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। ठीक है, रीऑर्डर लेवल कितना है? 300 माइनस एवरेज कितना है? 15 यूनिट और 10 डेज, तो ये कितना हो गया? 150। ठीक है, डेंजर लेवल में क्या करते हैं? एवरेज इनटू इमरजेंसी परचेज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में एक और अप्रोच आती है, मेरे हिसाब से आज इतना ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कैश फ्लो में भी काफ़ी गलती है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैश फ्लो भी आपको एक बार कंप्लीट करना है, मार्जिनल जो है वो भी एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, मेटर में यहाँ तक का देख लीजिएगा, और ये थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा जो समरी के अंदर लिखने हैं, जो उनको समरी में ही लिखे हैं और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको समरी से अलग रखें। दो नोटबुक जरूर बनाएं, अगर आपको पास होना है तो ये चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एग्जाम से पहले वाले दिन अगर आपका रिवाइज नहीं हुआ तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं करवा सकती। समरी नोट्स आपके पास होने चाहिए और समरी नोट आपके खुद के हाथ से बने होने चाहिए, वही फायदा पहुंचेंगे आपको। मैं तो दे सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, ये आपको ऐसा कैसा प्रोवाइड भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद जो है जितना
आज से बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा। बाकी मैं तो ये नोट्स है आपको टेलीग्राम पे भी दे सकता हूँ 9602118772 पे मैं बना दूंगा टेलीग्राम, और उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, मैं यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं जो भी लिख रहा हूँ वो मैं सारा प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप अपने हाथ से शॉर्ट नोट समरी नोट है जो जरूर बनाइए, और साथ ही साथ कमेंट के अंदर और मैसेज के थ्रू मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उससे कुछ किसी को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिन जिन को बेनिफिट हो रहा है वो बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है और क्वेश्चन होते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। और कभी हो सकता है जैसे आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई, अभी मैं अपलोड शाम को कर पाया हूँ, थोड़ा कहीं बाहर बिजी होने की वजह से, तो आप इस तरीके का टाइम रखिए कि इस क्लास को शाम को ही देखें ताकि मैं शाम तक तो 100% आपको पहुँचा दूँगा। और एक आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कि संडे को टेस्ट रखा जाए या नहीं रखा जाए, अगर संडे को टेस्ट का रखने का प्लान करते हैं तो फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप और वो पेपर दोनों तैयार करके रखूँ, तो वो आप मेरे को ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और अभी से लग जाए 100% दीजिएगा। देखो रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद में फेल होके फिर वापस पढ़ना फिर दुखी होके पढ़ना, उससे अच्छा है कि एक बार के अंदर इसको ख़त्म करो, समझ आ रही बात, फिर रिजल्ट आ जाएगा क्लियर हो जाएगा तो फिर इससे निकल जाओगे, नहीं तो फिर वापस यही करना पड़ेगा और फिर वापस दुखी होके पढ़ना ही है, जब पढ़ के इसको निकालना ही है, यही हमारा टारगेट है, तो इसे एक बार में निकालो ख़त्म करो, क्लियर, तो आप अपना 100% एफर्ट दो ताकि आपको नतीजे भी मिलेंगे और मज़ा भी आएगा, क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद, इन नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।